बचती रहने चाहिए for the showman. 1968 की फिल्म आराधना में एक चमत्कार था. इस फिल्म से जुड़े हर इंसान ने इतिहास रचा. किशोर कुमार से लेकर आर.डी. बर्मन से लेकर एस.डी. बर्मन से लेकर आनंद बख्शी से लेकर राजेश खन्ना से लेकर फिल्म में राजेश खन्ना के दोस्त का छोटा सा रोल निभाने वाले एक्टर श्री सुभाष घाई तक सबने इतिहास रचा. 1978 तक ये किसी और के लिए कालीचरण और विश्वनाथ जैसी बैक टू बैक हिट्स बना चुके थे, पर इनके अंदर के शोमैन ने इनको अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए ललकारा और 24 अक्टूबर 1978 को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के डेट पर इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर लॉन्च किया मुक्ता आर्ट्स. कर्ज, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेस और ताल जैसी भव्य ब्लॉकबस्टर्स मुक्ता आर्ट्स की देन है. तो इन्हीं के हाउस से इकबाल, जॉगर्स पार्क और ऐतराज जैसी बेहतरीन फिल्में भी आई हैं. इसी आर्ट हाउस से हर एक्टर जिसने 80s और 90s में फिल्में की है उसका सबसे बड़ा सपना होता था कि वो मुक्ता आर्ट्स की फिल्म करे और उन्हें ये डायरेक्ट करे. ये सपना आज भी बरकरार है. जाकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की लाइफ की पहली ब्लॉकबस्टर हीरो हो या श्रीदेवी और अनिल कपूर की लाइफ की पहली ब्लॉकबस्टर कर्मा, सब मुक्ता आर्ट्स की फिल्में हैं. 1999 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए थे तो इन्हें देश के नंबर 1 डायरेक्टर के बतौर उनसे परिचय करवाया गया था. एक दिन हर कोई दोहराएगा कि भले ही दुनिया इन्हें कहती है सुभाष घाई, पर इन्होंने जितना हासिल किया है आई एम श्योर के ऊपर वाला भी इनसे कहता है शाबाश घाई. आज इंडियन आइडल का, उनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जश्न मनाया सेलिब्रेटिंग मुक्ता आर्ट्स. मुक्ता आर्ट्स जो हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी पत्नी का नाम मुक्ता है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने 24 अक्टूबर 78 से प्रोडक्शन शुरू की थी. 24 अक्टूबर हमारे लिए विशाल जी एक रेड लेटर डे बन गया. जितनी भी फिल्में हमने बनाई, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, सभी फिल्में हमने 24 अक्टूबर को लॉन्च की. ऑल फिल्म्स. और 24 अक्टूबर के दिन ही मेरी शादी हुई थी, तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी 24 अक्टूबर को है. तो मैं ये कहूँगा कि इसका श्रेय मेरी पत्नी मुक्ता जी को भी जाता है, जो मेरे लिए प्रेरणा आज तक बनी हुई है. I'm very grateful to all of you and my all salute to this esteemed, beautiful, talented people, 3 people in front of me. आज जो भी Indian Idol देख रहा है, for them it's going to be a Subhash Ghai experience. God bless. God bless. Thank you sir. Thank you. जोरदार ताली. अब नेक्स्ट परफॉर्म करने आ रही है भनुष्का पात्रा और इनके साथ वो जो अपने गुरु यानी गॉड किशोर दा की तरह ही सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, तभी जो है सबसे खास रोहन दास. अरे एचआर, ये रोहन फिर से नहीं आया. रोहन सर, तो जल्दी आ जाओ बांगड़ू. हाँ सर, मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट. बाजू बाबू समझो इशारे. ओ माय गॉड, इतना बड़ा मेकओवर. हम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे. तुम तो पीछे से कुछ चेंज मेकअप बेकअप करके आने वाले थे. अरे सर, मैं तो अभी गया था इसके लिए. समझ गया बेटा, समझ गया. ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ. हाँ सर. क्या चाहते हो आज? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ गाना गाना चाहता हूँ सर. तुम राजू हो या रोहन हो? अरे बांगड़ू, मैं रोहन हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. हम थे वो थी. अरे गाओ ना. वो थे, हम थे. हम थे वो थी और समारंगीन. छा गए बाबू, आप बहुत ही अलग हो, मतलब अलग तो आप क्या हो? अनुष्का, सच बताऊं, अगर मुझे कोई बोलेगा ऐसी सब आवाजें निकालने को तो मैं थोड़ा सा डर जाऊंगी, थोड़ा सा शर्मा जाऊंगी कि अरे मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ। बट यू आर सो गुड, इतने कॉन्फिडेंस से इतनी कमाल की चीजें कर लेती हो। यू आर अमेजिंग अनुष्का, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस तो बनता है और इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को दे रहे हैं चिराग एंड अनुष्का। आज आपने क्या तैयारी की है? आदि भैया, आज इतने बड़े डायरेक्टर सुभाष घाई सर हमारे साथ है और हम उनके ही आइकॉनिक गानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने जम के तैयारी की ताकि इन आइकॉनिक गानों को जस्टिस दे सके, लेकिन थोड़े नर्वस थे कि कैसे निभा पाएंगे, और हमने एक लंबी सांस ली और अपने आप पे भरोसा किया कि ये परफॉर्मेंस यादगार बनाएंगे। बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल ना जाए नैना, एक 2 बरस जरा दूर रहना, एक 2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिलना जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। क्या हो बारात हो जाने कब बरसात हो जाने कब बारात हो मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो क्यों 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 क्योंकि तू 16 बरस की मैं 17 बरस का तू 16 बरस की मैं 17 बरस का मिलना जाए देना कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना कुछ हो गया तो फिर ना कहना एक दो बरस जरा दूर रहना कुछ हो गया तो फिर ना कहना मैं 16 बरस की मैं 17 बरस का मैं 17 बरस का Thank you so much. Thank you. मैं 17 बरस का मैं 17 बरस क्या बात है सर बिल्कुल हो सर age is in the mind not in calendar I agree 100% बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया Thank you sir God bless you Thank you sir आपका नाम चिराग है जी सर सुना है मैंने कि आपके चिराग कभी कभी बुझ जाते हैं सुनने में आया है कि काव्या ने चिराग की रोशनी बुझा दी देखो बेटा याद रखना एक बात जब जब कोई आपको बुझाने की कोशिश करे मिटाने की कोशिश करे हराने की कोशिश करे समझना मेरी जीत का पहला कदम शुरू हो गया हाय हाय क्या बात है मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है यार मेरे साथ तो स्टार लोगों ने भी ऐसा किया है जब मेरी फिल्म क्रोधी नहीं चली थी कर्ज से पहले तो सारे स्टार्स मुकर गए थे मेरे साथ काम करने के लिए कालीचरण विश्वनाथ हिट तो सब आ गए थे और जब फ्लॉप हुई तो सब चले गए तो फिर उसके बाद मैंने तय किया कि मैं स्टार के साथ काम नहीं करूँगा इसीलिए उस फिल्म जो किसका नाम हीरो है उसका जन्म हुआ हाय हाय क्या बात है और हीरो फिल्म से 7 स्टार्स बने 7 स्टार तो ये जो शक्ति आप में आएगी ना आप देखना ये चिराग बन के एक बहुत बड़ा सितारा बनेगा जिसमें बड़े बड़े कवि और काव्य आपको देखेंगे शुक्रिया सर गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर थैंक यू अनुष्का थैंक यू चिराग For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.